प्रस्तुत कविता श्री बाल स्वरूप राही कवि द्वारा रचित बाल भारती रचना में से ली गई है, जिसमें प्रकृति की सभी वस्तुओं का अपना महत्व दर्शाया गया है। एक बाल मन के द्वारा एक बच्चा किस तरह से प्रश्न उठाता है, वो आज हम इस कविता में पढ़ेंगे। अगर न होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन। यहाँ कवि एक बालक की तरह से कह रहा है कि अगर रात्रि में चांद नहीं होता तो हमें सभी दिशाओं का पता कैसे चलता। अर्थात चांद हमारा मार्गदर्शक बनकर हमें सभी दिशाएं दिखाता है रात्रि में। अगर न होता सूरज दिन को, सोने सा चमकाता कौन। और यदि अगर सूरज नहीं होता तो दिन में सोने जैसा प्रकाश कौन फैलाता, और इस धरती को सोने के समान कौन चमकाता। अगर न होती निर्मल नदियाँ, अगर पानी की स्वच्छ नदियाँ नहीं होती तो जग की प्यास बुझाता कौन, तो इस संसार की प्यास कौन बुझा पाता। अगर न होते पर्वत, यदि पहाड़ और पर्वत न होते, मीठे झरने भला बहाता कौन। तो पानी के मीठे झरने जो कि पहाड़ों से निकलते हैं, हमें पता है पहाड़ों पर पर्वतों पर बर्फ़ होती है और उस बर्फ़ के पिघलने से पानी बहता है झरनों के रूप में, और यही पानी नदियों तक पहुंचता है। तो कवि कह रहे हैं कि यदि पर्वत ही नहीं होते तो मीठे पानी के झरने कौन बहाता। अगर न होते बादल नभ में, इंद्रधनुष रच पाता कौन। आगे कवि कह रहे हैं कि यदि आकाश में बादल ही ना होते तो हमें इंद्रधनुष की सुंदरता कैसे देखने को मिलती। आप हमें सभी को मालूम है कि जब वर्षा के समय में बादल होते हैं, और उसी वक्त यदि सूर्य भी अपना प्रकाश फैलाता है तो हमें आसमान में 7 रंग का इंद्रधनुष देखने को मिलता है, और प्रकृति का यह अनुपम रूप हमें बहुत ही मनमोहित करता है। तो कवि कह रहे हैं कि यदि आकाश में बादल ही नहीं बनेंगे तो वर्षा काल में हम इंद्रधनुष कैसे देख पाएंगे। अगर न होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। और एक बालक की तरह से कवि कह रहे हैं कि यदि अगर हम ही नहीं होते, यदि मनुष्य ही नहीं होते तो प्रकृति को लेकर इतने सारे प्रश्न भला कौन उठाता, और किसके मन में इतने प्रश्न आते।